आपने शार्क टैंक देखा है? ये सब दोगलापन है। अगर देखा है तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि वहां पर जो शार्क्स यानी इन्वेस्टर्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योर से पूछते हैं कि आपकी कंपनी का एबिटा कितना है, आपकी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, और ऐसे ही काफी सारे टर्म्स वो उनसे पूछते हैं। अब ये सुनकर आपको लगता है कि ये सवाल शायद बिजनेस से रिलेटेड कुछ होते होंगे, बट मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये स्टॉक मार्केट से भी रिलेटेड है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको भी हर स्टॉक से ये क्वेश्चन पूछने चाहिए और इसका एनालिसिस करना चाहिए, और यही सब कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के अंडर आता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, और वो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर YouTube में 5 से 10 वीडियो भी देख लेंगे तो उन 10 वीडियो में आपको जितनी नॉलेज मिलेगी उससे ज्यादा नॉलेज आपको इस एक वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप मान के चल सकते हैं कि ये वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस की एक मास्टर क्लास है जिसमें आप बिल्कुल डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना, जिसमें आप आज शेयर खरीदते हैं और उसको कई सालों के लिए रख लेते हैं, और दूसरा होता है ट्रेडिंग करना, जिसमें आप कई बार 5 मिनट के लिए शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं और उस 5 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। अब शेयर मार्केट से पैसे कमाने के ये जो दो तरीके हैं ना, ये दोनों ही बहुत डिफरेंट तरीके हैं, और इन दोनों ही तरीके में आपको अलग अलग तरीके से एक स्टॉक का एनालिसिस करना होता है। जैसे अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पर आपको एक स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, और इसमें बेसिकली आपको उसके चार्ट्स को स्टडी करना होता है, यानी आपने उसमें देखना होता है कि जो चार्ट्स हैं उसके हिसाब से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ऑलरेडी हमने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं, जो कि आपको सीखना चाहिए, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, जिसके लिए आपको स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। अब इस फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या क्या आता है वही आज हम डिटेल में बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं एक मिथ को क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो मिथ नए इन्वेस्टर्स में ये रहती है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना ना तो वहां पर हमें स्टॉक का सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो वहां पर दो तरीके से आप एक स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं। एक होता है टॉप टू डाउन अप्रोच, और दूसरा होता है बॉटम टू अप अप्रोच। टॉप टू डाउन अप्रोच में हम सबसे पहले एक सेक्टर का एनालिसिस करते हैं, यानी हम पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद जाकर हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। जबकि बॉटम टू टॉप अप्रोच में हम सबसे पहले स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उस इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना है, आपको उसके सेक्टर का भी एनालिसिस करना है। अब यहां पर मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक होता है टॉप टू डाउन अप्रोच और दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही तरीके से वैसे तो स्टॉक एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन जो ज्यादा बेटर तरीका है वो है टॉप टू डाउन अप्रोच का यूज करना, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले उस इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे हैं। तो यहां पर हम एक स्टॉक का सबसे पहले, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर सबसे पहले हम एक स्टॉक का इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे, या फिर इसे कई बार हम सेक्टर एनालिसिस भी कहते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस करने के बाद हम उस स्टॉक का बिजनेस एनालिसिस करेंगे, जिसमें उसके बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ऐसा ही कुछ मैंने आपको हमारी जो स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स वाली वीडियो है उसमें भी बता रखा है, तो हो सकता है अगर आपने हमारी उस वीडियो को देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये सब चीजें तो मुझे सुनी सुनी लग रही है। तो ये मैंने स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स वाली वीडियो में बताया है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप हमारी उस बिगनर्स वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक बातें की थी, आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम सबसे पहले इंडस्ट्री का एनालिसिस कर रहे हैं, फिर बिजनेस एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद जाकर हम स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम उस स्टॉक का वैल्यूएशन एनालिसिस भी कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप उस स्टॉक का मैनेजमेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस से, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और हां, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वहां पर आपको कौन से टाइप का एनालिसिस करना होता है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो वहां पर आपके और हमारे बीच में एक टू वे कम्युनिकेशन हो। तो मैं आपसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने उनका आंसर करना है, और फिलहाल क्वेश्चन ये है
है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वहां पर आपको कौन सा एनालिसिस करना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करना है, ये आपने कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस की। इंडस्ट्री एनालिसिस में आपने कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं अपने आप से। पहला क्वेश्चन है कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो स्टॉक कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। यानी मान लीजिए अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है तो ये जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है ये कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अब जब आप रिसर्च करेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो जब आपको पता चल गया है कि स्टॉक कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है कि उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन कितना है, क्योंकि ज्यादा कॉम्पिटिशन होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट घट सकता है और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन जिन इंडस्ट्री में होता है उसमें अगर आप किसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे तो उस सेक्टर या उस इंडस्ट्री की जो बड़ी कंपनीज हैं, जो कि उस सेक्टर के शार्क्स हैं, वो उन छोटी कंपनीज को खा जाएंगे और वो कंपनीज ग्रो ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कंपटीशन की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ और घट सकता है। तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर जो कंपटीशन है वो कम हो। वैसे इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए जो हमने स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के ऊपर रिसेंट वीडियो बनाई है ना, उस वीडियो में हमने आपको एक तरीका सिखाया था माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस के थ्रू एनालाइज करना। तो आप उस वीडियो को देखकर वो तरीका जरूर सीखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो काफी डिटेल में बताना पड़ता है तो इस वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, तो उसको आप उस वीडियो में जरूर सीखेगा। अब जब आपको पता चल गया है कि उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन कौन कौन सा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अपने आपसे पूछना है कि इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि डिक्लाइनिंग फेज में चल रही है तो वहां पर आप चाहे कितना ही अच्छा स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें लेकिन वो इंडस्ट्री ही धीरे धीरे खत्म हो रही है तो वहां पर आपका पैसा ग्रो ही नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको ये देखना होता है कि वो इंडस्ट्री कौन सी स्टेज में चल रही है। तो यहां पर सबसे पहली जो स्टेज है वो है पाइनियरिंग स्टेज। ये वो स्टेज होती है जब एक इंडस्ट्री ने शेप लेना शुरू ही किया है, मतलब बिल्कुल ही इनिशियल फेज में है वो इंडस्ट्री। इस टाइम पर अगर आप किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर उस इंडस्ट्री के पास बहुत ही ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है। जैसे आज के टाइम पर हम मान के चल सकते हैं कि AI अपनी पाइनियरिंग स्टेज में है, मतलब AI जो इंडस्ट्री है उसने अभी शेप लेना शुरू ही किया है। तो अगर आप ऐसी किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब दूसरी टाइप की जो स्टेज होती है वो होती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज वो स्टेज है जहां पर जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी है, उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं और अब वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और उसमें अभी ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस बचे हुए हैं। ऐसी इंडस्ट्री में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ग्रोथ के चांसेस हैं तो इनमें अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर भी आपका पैसा ग्रो कर सकता है। अब इसके बाद एक इंडस्ट्री की जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है मैच्योर्ड स्टेज। इस स्टेज में जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी अच्छा खासा ग्रो कर चुकी है और अब वो मैच्योर हो चुकी है, यानी उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ बची हुई नहीं है। बट ऐसे में भी आप चाहें तो इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन एक लंबे टाइम तक आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है डिक्लाइनिंग स्टेज। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि अपने डिक्लाइनिंग फेज में चल रही है तो वहां पर अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहां पर आपको लॉस हो सकता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो कुछ इंडस्ट्री में आती है, कुछ में नहीं आती है, और वो स्टेज है रिवाइवल या रीइन्वेंशन। यानी हो सकता है कि अगर कोई इंडस्ट्री अपनी डिक्लाइनिंग फेज से चल रही थी लेकिन उसके बाद उस इंडस्ट्री ने अपना बिजनेस चेंज किया और वो इंडस्ट्री चेंज होकर कोई दूसरी इंडस्ट्री बन जाती है, जिससे हो सकता है कि दोबारा से वो अपनी पाइनियरिंग स्टेज में आए, फिर ग्रोथ स्टेज में आए, फिर मैच्योर्ड स्टेज में आए। तो यहां पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो आपको जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इंडस्ट्री अभी कौन सी स्टेज में चल रही है, क्योंकि इसी से आपको समझ आएगा कि उस इंडस्ट्री में ग्रोथ कितनी है। अब बारी आती है बिजनेस एनालिसिस की। बिजनेस एनालिसिस में आपको सबसे पहले यह समझना है कि जिस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं या जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी प्रॉफिट कहां से कमाती है, यानी वो कौन सी स्ट्रेटजी का यूज करती है या उसका एक्चुअल प्रॉफिट आता कहां कहां से है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि इसी बेसिस पर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी उसके बिजनेस की। ये समझने के बाद आपको नेक्स्ट चीज जो उस बिजनेस से रिलेटेड समझनी है वो है कि उस पर्टिकुलर कंपनी के पास क्या कोई कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। हमने इंडस्ट्री एनालिसिस में बात की थी कंपटीशन की, जहां पर हमने समझा था कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है। तो अब बिजनेस एनालिसिस में हमें यह समझना है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्या उसके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे जो दूसरी कंपनी है वो उसके बिजनेस को एक्वायर नहीं कर सकती है। जैसे मान लो कोई कंपनी है जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से बिलोंग करती है और वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसका उसके पास पेटेंट है,
तो क्योंकि उसके पास पेटेंट है तो कोई और कंपनी वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती, तो इस हिसाब से उस कंपनी के पास एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है और इस कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की वजह से वो कंपनी अपने कस्टमर से ज्यादा पैसे चार्ज कर सकती है क्योंकि कोई दूसरा वो प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकता। तो इस तरीके का अगर मान लीजिए जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना जा रहे हैं उस कंपनी के पास कोई कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो एक बिजनेस में एनालिसिस करना है वो है शॉर्ट एनालिसिस। इसमें हमें चार चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहला है एस, जिसमें हमें कंपनी की स्ट्रेंथ देखनी है। तो इसमें हमें यह देखना होता है कि उस कंपनी के पास क्या कोई ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे वो दूसरे अपने जो कंपटीशन है उनको बीट कर सकती है। दूसरा हमें देखना होता है डब्ल्यू, जिसका मतलब होता है वीकनेस। इसमें हमें देखना होता है कि कंपनी में क्या ऐसी कमियां हैं, क्योंकि हर कंपनी में कुछ ऐसी वीकनेस हो सकती हैं जिसकी वजह से उसका जो बिजनेस है वो लॉस में जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जिसके सिर्फ 5 ही कस्टमर्स हैं और उन 5 कस्टमर्स से ही उसके पास सारा पैसा आता है, तो ये उस कंपनी की वीकनेस है, क्योंकि अगर मान लीजिए 5 कस्टमर्स चले गए तो उस कंपनी का पूरा लॉस हो सकता है, या एक भी कस्टमर जाने से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा घट सकता है, तो इसको हम वीकनेस कंसीडर करते हैं। इसके बाद हमें देखनी होती है कंपनी में ओ, जिसका मतलब है अपॉर्चुनिटीज। देखिए जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना वो हर बिजनेस में बाहर से आती हैं। यानी जब हम इंडस्ट्री एनालिसिस कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि उस इंडस्ट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो यहां पर हमें उस स्टॉक के हिसाब से देखना है कि क्या उन अपॉर्चुनिटीज को वो कंपनी अवेल कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और यहां पर टी का मतलब है थ्रेट। थ्रेट भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है और इसमें हमें देखना होता है कि मान लीजिए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई थ्रेट है तो उस थ्रेट की वजह से, थ्रेट का मतलब है खतरा, उस खतरे की वजह से उस बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है ये भी हमें उसके बिजनेस एनालिसिस में पता करना होता है। और इस तरीके से आप एक कंपनी का बिजनेस एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे बिजनेस एनालिसिस के अंदर ही मैं आपको एक स्टॉक का मैनेजमेंट एनालिसिस करना भी बता देता हूं, उसके बाद हम एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस और वैल्यूएशन एनालिसिस को समझेंगे। तो मैनेजमेंट एनालिसिस में आपने बेसिकली ये देखना है कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी को देखिए चला तो कोई लोग ही रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ लोग हैं जो उस कंपनी को रन कर रहे हैं, तो उन लोगों का हमें एक्सपीरियंस देखना है। तो यहां पर हमें देखना होगा कि उस कंपनी का जो सीईओ है, सीएफओ है, उन लोगों को कितना एक्सपीरियंस है, उस इंडस्ट्री में उन्होंने कितने साल काम किया है। अगर मान लीजिए जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा उस बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो एज एन इन्वेस्टर आप इससे यह समझ सकते हैं कि जो लोग उस बिजनेस को रन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है तो वो उस कंपनी को और ज्यादा ग्रो करवा सकते हैं। तो मैनेजमेंट एनालिसिस में आपने ये देखना है। दूसरी चीज जो आप मैनेजमेंट एनालिसिस में देख सकते हैं वो है कि कहीं उस कंपनी की मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है। तो ये जानने के लिए आप सिंपली गूगल में सर्च कर सकते हैं, जो भी कंपनी का सीईओ है उसके नाम के आगे आप फ्रॉड लिख दीजिए, या फिर जो भी कंपनी है उस कंपनी के नाम के आगे अगर आप फ्रॉड लिखकर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस कंपनी की मैनेजमेंट ने अगर कोई फ्रॉड किया होगा तो वो आपको गूगल में दिखाई दे जाएगा, और ऐसे आप श्योर हो जाएंगे कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो सही है या फिर नहीं। तो अभी तक आपने एक स्टॉक का इंडस्ट्री एनालिसिस, उसका बिजनेस एनालिसिस और उसका मैनेजमेंट एनालिसिस समझ लिया है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस और उसके वैल्यूएशन एनालिसिस की। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि आपने कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं वो इंडस्ट्री कौन सी स्टेज में है, ये हमें कमेंट करके बताना है और ये आपने जरूर करना है। और इसके साथ ही आपकी पसंद की कोई भी एक इंडस्ट्री चूज कर लो और उस इंडस्ट्री में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स हैं, ये भी आपने कमेंट करके बताना है। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इसके साथ ही यार देखो हम बहुत मेहनत से वीडियो को बना रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में या फिर इंस्टाग्राम के स्टेटस में शेयर भी कर देना, और अगर इंस्टाग्राम पे शेयर करोगे तो मुझे टैग भी करना। अब बारी आती है फंडामेंटल एनालिसिस और वैल्यूएशन एनालिसिस की। अब देखो फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन एनालिसिस एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसके ऊपर आपको पता है कि हमने ऑलरेडी कोर्स बना रखा है और वो कोर्स 46 लेक्चर्स का है। तो आप सोचो कि 46 लेक्चर्स में जो चीज हमने आपको सिखाई है वो सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीटली तो नहीं सिखाई जा सकती है, लेकिन हम आपको बहुत सारी ऐसी चीजें इस वीडियो में सिखा देंगे कि जिसके बाद आप एक स्टॉक का अच्छा खासा फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएंगे। और अगर आपको डिटेल में सीखना है फिर तो आप हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब यहां पर सबसे पहला सवाल उठता है कि अगर आपको एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको उसका बहुत सारा डेटा चाहिए होगा। अब ये डेटा आपको मिलेगा कैसे? तो ये बहुत ही आसान है, हर कंपनी अपना डेटा खुद प्रोवाइड करती है और हर 3 महीने में कंपनी अपनी एक क्वार्टरली रिपोर्ट निकालती है जो कि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग उन्हें निकालना पड़ता है, और हर 1 साल में कंपनी अपनी एक एनुअल रिपोर्ट निकालती है जिसमें कंपनी का सारा डेटा आपको मिल जाता है।
तो आपको जो रीसेंट डेटा चाहिए होता है वो आपको कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट्स में मिल जाएगा, और आपको जो ओवरऑल डेटा चाहिए वो आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको जिस भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, आपने क्या करना है, आपने उसकी एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है। ये एनुअल रिपोर्ट आप BSE या NSE की वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जिस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो आपको उस कंपनी की वेबसाइट के इन्वेस्टर रिलेशन वाले सेगमेंट में मिल जाएगी। तो वहां से आप उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो एनुअल रिपोर्ट आपको कुछ इस तरीके की नजर आएगी। अब ये जो एनुअल रिपोर्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाती है, और जो भी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको डेटा प्रोवाइड करती हैं वो सारा डेटा वो इस एनुअल रिपोर्ट से ही एक्सट्रैक्ट कर आपको दिखाती हैं। तो यहीं पर सारा डेटा आपको मिलना है। अब देखो, एक कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, उसके अंदर आपको कंपनी की बैलेंस शीट मिलती है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने को मिलता है, और इसके अलावा भी बहुत सारा डेटा एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर होता है। अब देखो, ये 300 पेजेस से ज्यादा की रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट को पूरा तो पढ़ा नहीं जा सकता, इवन इस वीडियो में तो नहीं पढ़ा जा सकता, ऑल्दो हमने हमारे कोर्स में रिपोर्ट को पढ़ना सिखाया है, बट यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो कि आपको हर एनुअल रिपोर्ट में देखनी है, या फिर हर स्टॉक का एनालिसिस करते हुए देखनी है। तो सबसे पहली चीज जो आपने कंपनी की देखनी है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये जो डेटा है ना, ये डेटा क्योंकि डेली चेंज होता है, और एनुअल रिपोर्ट एक साल में आती है, और क्वार्टरली रिपोर्ट कंपनी की 3 महीने में आती है, तो ये डेटा आप सिंपली गूगल में सर्च करके देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रिलायंस की मार्केट कैप देखना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च कीजिए रिलायंस मार्केट कैप, और आपको पता चल जाएगा। मार्केट कैप जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो आप सबसे पहले जब सर्च करेंगे कंपनी की मार्केट कैप क्या है, तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी है तो वो कंपनी उतनी ही कम रिस्की होगी, लेकिन वहां पर उतने ज्यादा रिटर्न्स आपको नहीं मिल पाएंगे। जबकि मान लीजिए कंपनी छोटी है, 4-5 हज़ार करोड़ की है, 7-8 हज़ार करोड़ की है, तो वहां पर आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलने के चांसेस होंगे। उसके लिए हमें और भी फैक्टर्स लेकिन देखने होंगे। तो इस तरीके से आपको कंपनी के साइज के बारे में पता चलेगा, जो कि हमें बताता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब जब आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लिया है, तो इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो आपको कंपनी का देखना होता है वो है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कंपनी अपनी इक्विटी कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी पैसे रेज करना चाहती है तो वो दो तरीके से पैसे रेज कर सकती है। एक होता है या तो कंपनी डेट ले, और दूसरा होता है कंपनी अपने शेयर्स यानी अपनी इक्विटी बेचे और उससे पैसे रेज करे। तो कंपनी ने अपने शेयर्स बेचकर जो इन्वेस्टर से पैसा रेज किया है उसको इक्विटी कहा जाता है, और इस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है यह हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। यह जनरली 15% से ज्यादा होना चाहिए, वैसे कुछ कंपनीज में डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको जनरल चीजें बता रहा हूं। यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि बहुत सारा जो डेटा होता है वो इंडस्ट्री के हिसाब से डिफरेंट उसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन हम इन जनरल यहां पे बात करने जा रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए बैंक सेक्टर जानना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे बैंक्स की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना होगा और तब आपको आइडिया आएगा, लेकिन इन जनरल एक कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज्यादा हो उतना बेटर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपने देखनी होती है वो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी के पास दो तरीके से पैसा आता है, एक होता है अपनी इक्विटी बेचकर और दूसरा होता है कर्ज लेकर। तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने इक्विटी भी सेल की है और साथ साथ लोन भी लिया है, तो अगर हमें यह जानना है कि कंपनी अपनी इक्विटी और अपना लोन दोनों को मिलाकर कंपनी के पास जो पैसा है उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, तो इसके लिए हमें उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना होता है, और यह भी जितना ज्यादा हो उतना बेटर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको हर कंपनी में देखनी चाहिए वो है उसका डेट टू इक्विटी रेशियो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कंपनी के पास पैसा डेट लेकर भी आता है, तो कंपनी ने मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा लोन ले रखा है तो वो कंपनी आपके लिए काफी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि पहला तो कंपनी को जो पैसा उसने लोन में लिया है उसमें उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिससे उसका प्रॉफिट घट जाएगा, और आप क्योंकि उस स्टॉक में इन्वेस्टर हैं तो आपका भी प्रॉफिट घट जाएगा। और दूसरा, अगर मान लीजिए कंपनी के ऊपर लोन ज्यादा है और कभी उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कंपनी बैंकक्रप्ट भी हो सकती है। इसलिए आइडियली आपको ऐसी कंपनीज को प्रेफर करना चाहिए जिनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम है, और इवन अगर आप ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो आपको ऐसी कंपनीज को ही प्रेफर करना चाहिए
चाहिए जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है। क्लियर कर दूं कि बैंक सेक्टर या एनबीएफसी जो सेक्टर होते हैं वहां पर डेट नहीं देखा जाता है और हर सेक्टर के हिसाब से चीजें डिफरेंट होती हैं, लेकिन इन जनरल आपको जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है उसी को देखना होता है और ये डेटा भी आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो जो भी लायबिलिटीज कंपनी के ऊपर है वो लायबिलिटीज कंपनी अपनी एसेट से पे कर सकती है या फिर नहीं, ये हमें करंट रेशियो से पता चलता है और करंट रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बेटर माना जाता है। और इवन 1 से कम अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो है तो वो अलार्मिंग है, वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है। अब ये सारा डेटा देखने के बाद आपको जाना होगा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जिसे पीएनएल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। और यहां पर जाने के बाद आपको देखनी होगी कंपनी की सेल्स या फिर जिसे हम रेवेन्यू भी कहते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना सामान बेच रही है और ये जितना ज्यादा हो उतना बेटर है, क्योंकि इस कंपनी जितना सामान बेचे उतना बेटर है। लेकिन हमें यहां पर सिर्फ ये नहीं देखना है कि कंपनी ने कितनी सेल्स की है, ये हमें देखना है कि कंपनी ने पिछले साल के कंपैरिजन में अपनी सेल्स को कितना ग्रो किया है। मान लीजिए कंपनी पिछले साल भी 100 करोड़ की सेल्स कर रही थी, इस साल भी 100 करोड़ की सेल्स कर रही है, अगले साल भी 100 करोड़ की सेल्स कर रही है, तो फिर वो कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। हमें यह देखना है कि कंपनी की सेल्स किस हिसाब से बढ़ रही है। मान लीजिए पिछले साल कंपनी ने 50 करोड़ की सेल्स की थी, इस साल कंपनी ने अभी तक 150 करोड़ की सेल्स कर दी है और ऐसे कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, तो यानी हमें कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखनी है कि उसकी सेल्स ग्रोथ क्या है। अब सिर्फ सेल्स ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कई ऐसी कंपनीज हैं जिनकी सेल्स तो बढ़ रही हैं लेकिन प्रॉफिट उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहां पर आपको यह भी देखना होगा कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है और वो प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है या फिर नहीं, यानी कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा होना चाहिए, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर हम इसीलिए कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये देखिए कि पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है या फिर नहीं, और ये कम से कम पिछले 3 साल का जरूर देखिए। अब ये जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है ये आपने पिछले 3 साल का तो देख लिया है, लेकिन हमें तो कंपनी का रीसेंट डेटा चाहिए ना, तो आपको यहां पर उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी एनालाइज करना होगा और वहां पर देखना होगा कि इस क्वार्टर में क्या कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बड़ा है या फिर नहीं। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं उसको हम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में नहीं, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपेयर करते हैं। यानी मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी के 2023 के Q1 के रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अप्रैल से जून के महीने में उसने कितना प्रॉफिट किया है, तो इसको अगर आप कंपेयर करके देखना चाहते हैं तो फिर आपको 2022 के Q1 यानी अप्रैल से जून 2022 में कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ था इससे कंपेयर करके देखना है। इसको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कहते हैं, तो यानी आपने कंपनी का ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करना है। अब जब आप एक कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालाइज कर लेंगे, देख लेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो यहां पर इसके बाद एक बहुत ही जरूरी चीज जो आपने देखनी है वो है कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कंपनी जो सामान बेच रही है उससे कंपनी के पास पैसा आ कितना रहा है। क्योंकि मान लीजिए कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया कि उससे 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हो सकता है कि प्रॉफिट तो हो गया लेकिन वो पैसा हो सकता है कि अभी तक कंपनी के पास पहुंचा ही ना हो, तो पैसा कंपनी के पास पहुंचा है या फिर नहीं वो आपको उस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। और एक कंपनी का कैश फ्लो भी हमेशा ग्रो कर रहा होना चाहिए, क्योंकि तभी कंपनी के हाथ में पैसा होगा जिस पैसे को वो फर्दर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी को ग्रो करवा पाएंगे। अब अगर आप एक कंपनी का ये सारा डेटा देख लेते हैं तो आप कंपनी का ठीक ठाक फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे, बट इसके साथ ही आपको कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग को भी देखना चाहिए। यानी आपने देखना चाहिए कि जो कंपनी के मालिक हैं उनकी होल्डिंग उस कंपनी में कितनी है, क्योंकि मान लो एक कंपनी है जिसका मालिक मैं हूं और उस कंपनी में मेरी सिर्फ 1% की होल्डिंग है, तो क्या मैं उस कंपनी को रन करने में मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कंपनी आगे बढ़ भी गई तो मुझे तो सिर्फ 1% का प्रॉफिट होना है। तो ऐसे में देखा यह जाता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास ज्यादा होल्डिंग्स होनी चाहिए, और प्रमोटर्स जो है वो हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग कई बार घटाते हैं बढ़ाते हैं, तो अगर वो अपनी होल्डिंग लगातार घटा रहे हैं तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये भी आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में चेक करना चाहिए। और इसके लिए आप एनुअल रिपोर्ट खोलने के बाद प्रमोटर होल्डिंग लिखकर सर्च कर सकते हैं। वैसे ये डेटा मैं आपको किसी वेबसाइट से खोलकर भी दिखा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिल्कुल डीप नॉलेज आपको मिले, इसलिए मैं आपको एनुअल रिपोर्ट से सारा डेटा बता रहा हूं। अदरवाइज ये डेटा आपको एनएससी और बीएससी की वेबसाइट में भी मिल जाएगा। अब अगर आपने प्रमोटर होल्डिंग देख ली है तो इसके साथ ही अगर मान लीजिए उस कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज ने भी इन्वेस्ट कर रखा है तो आप इसको भी एनालाइज करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो डीआईआईज हैं अगर वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो इसको भी कंपनी के लिए पॉजिटिव माना जाता है। अब मान लो आपने इस तरीके से एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको लगा कि कंपनी बहुत अच्छी है और आपने उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया, तो आपको पता है आपको लॉस हो सकता है।
क्यों लॉस हो सकता है? आपको लॉस इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने उसका वैल्यूएशन एनालिसिस नहीं किया है। हो सकता है कि आपने किसी अच्छी कंपनी को लेकिन बहुत ही ज्यादा हाई रेट पे खरीद लिया हो, जिसकी वजह से आपको वो कंपनी महंगी मिली है और उसके बाद शेयर की प्राइस गिर जाए और आपको लॉस हो जाए। तो अगर मान लीजिए आप किसी ठीक ठाक कंपनी को बहुत सस्ते में खरीदते हैं तो उससे भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, और अगर आप किसी बेस्ट कंपनी को बहुत महंगे में खरीदते हैं तो उससे भी आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए अब आपको एक स्टॉक का वैल्यूएशन एनालिसिस भी करना पड़ेगा। वैल्यूएशन एनालिसिस करने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा, ताकि जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो, ट्रेड करना हो, आप उस डीमैट अकाउंट से कर पाए। और इसके साथ ही वैल्यूएशन एनालिसिस करने से पहले मेरा एक सवाल है जिसका आपने जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं वो आपको सही में समझ आ भी रहा है या फिर नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि एक स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, ये आपने अभी कमेंट करके बताना है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और हां, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब अगर वैल्यूएशन एनालिसिस की बात करें तो देखिए वैल्यूएशन एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है। हो सकता है कि किसी को लगे कि ये शेयर 100 रुपए में महंगा मिल रहा है और किसी को लगे कि ये शेयर 100 रुपए में सस्ता मिल रहा है, तो वो अपने अपने एनालिसिस पे डिपेंड करता है। बट मैं आपको बेसिक वैल्यूएशन करना सिखा रहा हूं, अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। बट बेसिक वैल्यूएशन एनालिसिस करने के लिए आप एक स्टॉक के 3 रेशियोज को देख सकते हैं। इसमें पहला रेशियो है पी रेशियो, जिसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली हम एक शेयर की प्राइस को उसके अर्निंग पर शेयर से कंपेयर करके देखते हैं, और इसको निकालने के लिए शेयर की प्राइस को उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड किया जाता है। अब देखो, माना तो यह जाता है कि एक कंपनी का पी रेशियो जितना कम है, इसका मतलब वो कंपनी उतनी सस्ती मिल रही है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको सिर्फ इस बेसिस पर एक स्टॉक को सस्ता नहीं समझ लेना है, क्योंकि कई बार एक कंपनी का पी रेशियो इसलिए भी कम होता है क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब भी आप एक कंपनी का पी रेशियो देख रहे हैं, उसको उस सेक्टर की जो दूसरी कंपनी है उसके पी रेशियो के साथ कंपेयर करके देखना है और देखना है कि वो स्टॉक सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। यानी आप मान लीजिए किसी आईटी सेक्टर की कंपनी का वैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो आपने देखना है कि उस सेक्टर की जो टॉप कंपनीज हैं उनका पी रेशियो कितना है, और उस सेक्टर की 3 से 4 कंपनीज का जो पी रेशियो है उसका एवरेज निकाल दीजिए, और उसके बाद जिस कंपनी का आप एनालिसिस करना चाहते हैं उससे कंपेयर करके देखिए। अगर इसका पी रेशियो कम है तो इसका मतलब ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, और अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टॉक महंगा मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट रेशियो जो यूज किया जाता है वैल्यूएशन के लिए वो है प्राइस टू बुक रेशियो। ये रेशियो हर इंडस्ट्री में यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्राइस टू बुक रेशियो में हम एसेट्स का यूज करते हैं। तो ये रेशियो सिर्फ वहीं पर यूज होगा जहां पर कंपनी के पास ज्यादा एसेट्स हैं, यानी कंपनी ऐसा कोई बिजनेस कर रही है जहां पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है जिस बिजनेस को करने के लिए। मतलब मान लीजिए कोई एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जिसका पीबी रेशियो 10 है, और दूसरी एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जिसका पीबी रेशियो 8 है। तो यहां पर आप दोनों, क्योंकि सेम सेक्टर की कंपनी है और दोनों ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बहुत ज्यादा एसेट्स लगी हुई हैं, बहुत ज्यादा पैसा उस बिजनेस को करने में लगा हुआ है, तो इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं, और इसमें जिसका पीबी रेशियो कम है आप ये समझ सकते हैं कि वो कंपनी आपको सस्ती मिल रही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो आपको देखना है वो है पीजी रेशियो। पीजी रेशियो में हम पी रेशियो को डिवाइड करते हैं उस कंपनी के ग्रोथ रेट के साथ। तो ये जितना कम हो उतना बेटर माना जाता है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी में ग्रोथ है और उसके बाद भी कंपनी सस्ती मिल रही है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस हो जाएगा। यानी इस वीडियो में आपने सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं सीखा है, आपने एक कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करना सीख लिया है। और अब शायद आपको भी लग रहा होगा कि अगर आप 10 वीडियोस को भी देख लेते तो भी इतनी नॉलेज आपको नहीं मिल पाती, तो क्योंकि हमने इतनी ज्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप ये सब कुछ और ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर एक कोर्स बना रखा है, आप हमारे उस कोर्स को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो आप कर ही देंगे, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उन सभी के आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप एक बार दोबारा इस वीडियो को देखेंगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से आ जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस हम बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।